सबसे बड़ी जो सबके मन में जिज्ञासा रहती वो यही रहती कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप भारत की यात्रा में निकल गए। तो दोस्तों, मैं नीलकंठ वर्णी जी है जो कि स्वामीनारायण पंथ के संस्थापक है, जिनको सहजानंद जी भी कहते हैं, और उन्होंने जब बचपने में अपनी भारत की यात्रा की थी, हजारों कष्टों को सहने के बाद वास्तविक भारत की यात्रा कैसी होती है, कैसे कष्टों को सहा जाता है, उनसे प्रेरणा ली और आखिरकार मैं निकल गया। इस कारण से ही 27 महीने की मेरे संघर्षपूर्ण यात्रा में मैं मध्य भारत भी किया, मैं नॉर्थ ईस्ट भी गया, बारिश के समय में कोई सोच भी नहीं सकता है, मैं भूटान गया, मैं नेपाल गया। तो इस प्रकार की चुनौतियों का सामना मैं इसलिए कर पाया। दोस्तों, एक सिद्धांत अपने मन में हमेशा बना के रखो, ये आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। खुद के आदर्श आप खुद बनो, दूसरे या तो दर्शक बनेंगे या तो मार्गदर्शक बनेंगे। इस कारण से ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लो जो वास्तविक रूप में प्रेरणा देने लायक हो, क्योंकि आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर और आजकल के कुछ टीचरों को छोड़ के जो तथाकथित टीचर है, अगर उनसे प्रेरणा लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लोगे। और ऐसी भी नौबत आती जो आजकल के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग संघर्ष करना नहीं सिखाते, इंसान बनना नहीं सिखाते, वो आपको केवल बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और बड़ा इंसान बनना सिखाते। दोस्तों, आज बड़ा बड़ा इंसान भी केवल इंसान है, अच्छा इंसान है, जिसको आप जितने भी बड़े बड़े इंसान को देखते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करें, टाटा जी की बात करें, है ना, बराक ओबामा जी की बात करें, तो जितने भी लोग हैं, है ना, बिल गेट्स की बात करें, ये सभी लोग बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह जी रहे हैं। बड़ा इंसान कोई भी नहीं होता दोस्तों, सभी इंसान होते हैं। इंसान बनकर ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो पहले इंसान बनने का सोचिए और इंसान बनिए।